टी20 क्रिकेटरु अवसर नेबे रोहित शर्मा एहा पछर कारण हेउछि बोर्ड हार्दिक पांड्या को अधिनायक करबा को चिंता करूछि। आसंता जून मास रे हेबा को थिबा टी20 विश्वकप 2024 समय रे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट दल पई तांकर शेष किछि टी20 आंतरजातिक मैच खेलबा को जाउछंती। एहा परे से टी20 आंतरजातिक क्रिकेटरु अवसर घोषणा करिबे। रोहित शर्मा को अधिनायकत्वरे भारतीय दल टी20 विश्वकप रे शेष मैच खेलिबो बोली विश्वास रहिछि। एहा पछर कारण हार्दिक पांड्या को दायी करा जाइछि। वास्तव में दैनिक जागरण प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को टी20 दल अधिनायक करने को चाहूँगी कारण से जड़े ऑलराउंडर से मेगा इवेंट पर उपअधिनायक करतीत रोहित शर्मा शॉर्ट फॉर्मेट में निजक प्रमाण करार यह हूँ शेष सुजोग। रोहित शर्मा टीम इंडिया रो अधिनायक हो पारती किंतु से हार्दिक पांड्या अधिनायकत्व में मुंबई इंडियंस खेलुंट 10 वर्ष धरी मुंबई इंडियंस अधिनायक रोहित शर्मा वर्तमान अधिनायक हार्दिक पांड्या मध्य कौन केमिस्ट्री दृश्यमान होना। अक्टोबर में एमआई हार्दिक पांड्या एक चुक्ति कर 15 डिसेंबर 2023 अधिनायक प्रदान करपर दुईं मध्य सबकि ठीक चली नाला। आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस प्लेअफ रेस रु प्रथम बाद पड़ी प्रशासक मैंने असंतुष्ट एमआई को सेपरी समर्थन करूना। सेमिफाइनाल इंग्लैंड द्वारा 10 विकेट पराजय पर भारत 2022 टी20 विश्वकप बाद पड़ता। यापर रोहित विराट कोहली भारत में होगा 2023 विश्वकप ध्यान देते से ही समय मध्य टी20 दल कमांड हार्दिक पांड्या को हस्तांतर कर से न्यूजीलैंड भारत अधिनायकत्व और घर मटी में क्यूज और श्रीलंका विपक्ष में अधिनायकत्व करते विश्वास कर हार्दिक भारत टी20 दल अधिनायक होते किंतु जितेबाला जयसा रोहित शर्मा को इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज में अधिनायक भाव में घोषणा करते सेतेबाला से विराट कोहली को दल में अणाइला हार्दिक पांड्या को उपअधिनायक कर रोहित शर्मा को बयस 37 अतिक्रम कर हार्दिक पांड्या को प्राय 30 वर्ष बयस हो भविष्य को दृष्टि रखी एभली परिस्थिति में बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को अति कम्रे टी20 दल अधिनायक करने को चिंता करुच्ची कारण तांकु केवल ह्वाइट बॉल क्रिकेट रे देखा मिलूँ। नवंबर 2022 पर रोहित शर्मा मध्य अधिक टी20 क्रिकेट खेली नथिले। से टी20 विश्वकप 2024 पूर्व 3 मैच खेली जो थे से 2 थर शून पाई आउट होते और गोटे मैच रे शतक हासिल करते। आईपीएल 2024 रोहित शर्मा फॉर्म भल नाई।